कि आप लोग भी बिल्कुल भी नहीं डरे होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी बड़ा बहादुर हूँ और आप भी बहादुर हैं, वो भी मुझसे भी ज़्यादा। तो भाई आज की जो वीडियो है वो वीडियो बड़ी अलग किस्म की होने वाली है। मतलब कि इसमें हम लोग पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो कि घोस्ट की हैं, भूतों की है, वो देखने वाले हैं। तो भाई जिस जो मतलब कि इन चीज़ों से डरता है तो पहले ही वीडियो लीव कर दे, क्योंकि बाद में अगर किसी की धड़कन तेज हो जाती है या हार्ट फेल हो जाता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तो भाई मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप भी देखें। इससे पहले मैंने गोस्ट्स की वीडियोस नहीं देखी, मतलब कि मैं हॉरर मूवीज भी नहीं देखता। चल झूठा। ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ जो कि आयरन मैन, सुपरमैन, लाइक सुपर हीरोज एक्शन मूवीज जितनी भी हैं वो देखता रहा हूँ। स्कैरी मूवीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो इस वजह से मैंने कभी देखी नहीं। सीरियसली। तो अभी हम लोग हमारे पास जो वीडियो है वो भी स्कैरी वीडियो है, तो मैंने देखी नहीं है, जस्ट स्कैरी टाइप किया उन से जो वीडियोज़ मुझे मिली, मैंने सिंपली उनको डाउनलोड कर लिया और उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो होप कि आप भी नहीं डरेंगे और मैं भी नहीं डरूंगा। तो लेट्स सी और वीडियो बॉटिक साइड। तो हेडफोन यहाँ से आवाज़ को करते हैं फुल वॉल्यूम पे, क्योंकि हेडफोन की आवाज़ थोड़ी कम आती है। सच में कसम से डर गया यार, मुझे नहीं लगा था मैं डरूंगा, सच कहूँ तो मैं डरूँ, सच बोल रहा हूँ यार, डर लगा है। अचानक से आ गया ना यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर। नॉर्मल एक्टिविटीज। कैमरे में कैद हुई okay. कुछ रहस्यमयी घटनाएं, कैमरे में जिसे देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे। शुरू करते हैं। शुरू करो भाई। इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाके देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो उसने दिया था काफी अच्छा सही वाला था। चले भाई स्टार्ट होने वाली है, नंबर वन पे आता है। ये बंदा लेटा हुआ है और इसको कोई चीज़ उठा के ऊपर की तरफ ले जाएगी। मैंने देखी हुई नहीं है पहले, जब इसने रसमाई वीडियो, रसमाई जो भी ये बोल रहा वो बोल रहा था कि ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। का मजा ले रहे थे तभी सपने का मजा ले रहे थे। उसके बाद कैमरा खुद देखिए, कमरे में क्यों लगाते हैं मुझे ये समझ नहीं आती। और इस भाई साहब ने अपनी जो टांगे हैं वो चरपाई से आगे क्यों हुई हैं? व्हाट व्हाई? तकिया पीछे भी तो हो सकता है, आगे क्यों हुई है तूने? फिक्शंस लग रहा है मुझे भाई, फिक्स हुआ हुआ जैसे ही है। आखिर वो कौन था जो इस लड़के का पैर खींच रहा था? दिया पता लगाओ जाके कौन था, ये कौन था? होता, तो आप क्या करते? तो आप क्या करते? जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर टू, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे हादसे दिन में नहीं होते तो आप गलत सोच रहे हैं। रात में बच्चा अपने छत से पानी निकालने आता है, छत से पानी निकालने आता है, उसका काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा, बारिश का पानी निकालने आता है। उसकी बात क्या होता है खुद देखिए। चल भाई दिखाओ। तेरी खैर, आ जाते इस पेड़ पड़ी एक पीछे से पानी निकालता है तू। कौन था वो? आखिर कौन था? दिया पता लगाओ, जल्दी करो। ऐसे अगर आप थके हारे घर पर वापस आए और आपका स्वागत करने के लिए जिन पहले से आगे खड़े कोई मेहमान आपका इंतजार कर रहा हो तो फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मेहमान है भाई, बिठाएंगे इसे, खिलाए पिलाएंगे, वो आप खुद देख लो। तेरी खैर, ये क्या ब्लैक वाली चीज से पूरी पूरा उस बंदे ही उठा लिया? नहीं ये क्या था यार,
मुझे तो समझ नहीं आया ये। फिर वो काला साया किसका था और इसके बाद क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। फिक्शंस लग रहे हैं, ओरिजिनल नहीं लग रही है। शादी का सपना संजोया हुआ, ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ पहले से ही फिक्स किया गया हो। सपना देखता है पर इसके सपने को साकार करने टाइम भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कोई मेहमान इसके ब्लैंकेट में आ जाता है। वो भी बोल रहा है यार ये कौन आ गया है। नथिंग भाई, ग्रीन ग्रीन लग रहा है मुझे, ग्रीन स्क्रीन का भी थोड़ा सा वो लग रहा है। लेकिन अच्छा, इसने अब कमल जैसे ही ऊपर किया, वापस किया और इसमें डाला एकदम से आके। यार कुछ अजीब लग रहा है मुझे, मतलब जैसे किसे पता था ऊपर कमल करेगा और नीचे फिर ये चीज आ जाएगी। जिसका सपना ये इंसान देख रहा था, किसका सपना ये इंसान देख रहा था, वो तो उसे ही पता है कि उसका सपना देख रहा था। यार हमें क्या पता, किसी का दिल तोड़ के ये लड़का खुद चैन से सो रहा था। इसे पता है कि किसी का दिल तोड़ के ये लड़का आया है और चैन से सो रहा था। सोना किसी को पसंद नहीं आ रहा था, पहले तो खिड़की खोलती है, उसके बाद कोई चीज खिड़की से बहुत तेजी से अंदर आती है, बहुत तेजी से अंदर आती है, घुस जाती है, सीधा बोल कंबल में घुस जाती है। ब्लैंकेट उधर से हिंदी मार रहा है और यहाँ से आके इंग्लिश बोल रहा है, ब्लैंकेट में घुस जाती है। और इस लड़के से रोमांस करना चाहती है, रोमांस करना चाहती है। कोई हरकत ना कसम से सही, इनको बॉलीवुड का जो माइंड सेट है ना, गुस्सा हुआ है इसमें बंदे में। इसमें क्या सब में गुस्सा हुआ था, इसमें रोमांस करना चाहती है इसके साथ। भाई रोमांस दिखाया नहीं है यार तुमने। आपके घर में सीढ़ी तो होगी क्या यार, उसी सीढ़ी पर कोई काली परछाई आपका इंतजार कर रही हो तो फिर क्या करोगे आप। काली परछाई इंतजार कर रही हो, गायब हो गई। सब सीसीटीवी कैमरास के ही लिए गए हैं इन दो लड़कों का सामना। कुछ कह नहीं सकते ये सच है या नहीं। काली परछाई से हुआ जो एक लड़के को खींच रही थी, जैसे तैसे इसके हमें तो दिख ही नहीं रहा यार, इसकी जान बचा ली। अगर ये हादसा आपके साथ होता तो आप क्या तो करते, आप क्या करते? दिया पता लगाओ जाके। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में स्कूल और कॉलेज के टॉपर बन जाएंगे तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लाइब्रेरी में ये लड़का सोच रहा था कि आज ही पूरी पढ़ाई। ये लाइब्रेरी है यार, ये तो कमरा कोई लग रहा है मुझे। पर इसका टॉपर होना किसी को पसंद नहीं आया, फिर क्या होता। क्या फिक्शनल बातें कर रहा है यार ये, मेरे ख्याल से टाइम ही जाया किया इस बंदे पे मैंने। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, पहले वाली जो आई थी ना उसने डराया था, ये तो ऐसा लग रहा है सब कुछ पहले से फिक्स किया गया हो। ऊपर से स्टोरीज भी ऐसी सुना रहा है कि यार आखिर कौन बंदा बोले क्या बोले, और कौन था यार वो, अच्छा नहीं लगा। अच्छा उसके बाद वो मैं था यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे भी पता नहीं। अच्छा तो हम सब यहाँ पर जन्मभूतों की बातें करते रहते हैं या हमने कोर्स किया हुआ है। मजे से अपने मजे रूम से जा रहे हो। फिर अचानक कोई आपको घसीट के ले जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर क्या करोगे आप, डांस करेंगे। इस आदमी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ,
नहीं यार, गलत बात है, हमें तो पता ही नहीं है ना, हमें दिख रहा है। क्या गजबनाक बात कर रहे हो, आखिर कौन था वो जबरदस्ती रूम में दे आ पता लगाओ। अभिजीत जो भी बोलते हैं उसे सार लेके जाओ, उसे जल्दी करो। बेंच पर बैठी हुई ये कुछ ओरिजिनल लग रही है मुझे। कोई इसका आशिक भी बैठा हुआ है, देखा आपको? अगर नहीं देखा तो फिर इस लड़की के जाने के बाद देखिए। अच्छा। क्या करता है इस लड़की का आशिक? लड़की का आशिक फुल फिक्शंस नहीं होती यार, वो से बोल रही है लड़की का आशिक। टिश्यू फेंके उसने नीचे, लेट गई आगे। रिप्ले स्लो मोशन में दिखाएगा, वहां से वो कार्ड हिलाए एंड अभी टिश्यू नीचे जाएगा। अच्छा टिश्यू जा चुका है। यस टिश्यू के नाराज कर दिया, कौन था गुस्से से प्लेट यार? मुझे लगता है सीआईडी का बहुत बड़ा फैन है ये बंदा। कौन था? हॉरर से ज्यादा मुझे इसकी बातें सुन सुन के हंसी आने वाली है। मत भूलिएगा, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाई लोग हो गया खत्म। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा फिक्शनल मुझे लगा, डरने से ज़्यादा मुझे फिक्शनल लग रहा था। ये उतार देते हैं तो फिक्शनल इस वजह से लग रहा था यार कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामा टाइप नहीं होता कि इसने क्या किया, वहाँ से कौन आया, कहाँ से आया, कैसे आया, अबूजीत पता लगाओ, दिया जाके पता लगाओ। यार अबूजीत का नाम सही ले रहा हूँ, आई डोंट नो यार जो भी है, कि आप पता लगाओ जाके कौन था वो, कहाँ से आया था, क्यों आया था, क्या करने आया था। तो ये मतलब कुछ इस तरह की फिक्चर बातें कर रहा था यार, मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। आई डोंट लाइक इट। आपको पसंद आई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि ये डरने से ज़्यादा इंटरटेनमेंट लग रही थी। इंटरटेनमेंट यार। कोई नहीं भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सीन होता है। मतलब सीन नहीं होता, नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसी स्केरी वीडियो लाएंगे जिसमें पता चले कि यार सच में स्केरी है भी इसमें। तो मैंने सोचा था यार बहुत स्केरी होने वाली है, बट इसमें फिक्शनली बहुत कुछ है तो आगे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मज़ीद और लंबी नहीं करते इसको। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।